और आपको बता दें कि अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर अब ट्रेन की रफ्तार को कोहरा भी नहीं रोक पाएगा। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे जोन की सभी ट्रेन इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस दिया है। सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से ट्रेनों का चलना मुश्किल हो जाता था। कई घंटों तक ट्रेन एक ही स्थान पर खड़ी रहकर कोहरा छटने का इंतजार करती थी, जिसके बाद से फिर चलती थी। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस लोको पायलट को अग्रिम जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें रेलवे लाइन पर आने वाले लेवल क्रॉसिंग और सिग्नल समेत रेल ट्रैक की कई और जानकारी देगा। कोहरे के समय में हम लोग गाड़ियों के सिर्फ संरक्षित संचालन करें, कोई लेट ना हो गाड़ियाँ और उसमें कोई दिक्कत ना हो, जो है उसके लिए हम लोग कई उपाय उठाते हैं। जो है उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सभी इंजनों पे फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाया हुआ है। फॉग सेफ्टी डिवाइस से जो है हमारे ड्राइवर को और गार्ड को आने वाले इंजन के बारे में, आने वाले गाड़ियों के बारे में, रास्ते में कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन से सिग्नल पड़ रहे हैं, कौन से स्टेशन आ रहे हैं, कहाँ गेट पड़ रहा है, उसके बारे में सारी सूचनाएं उसको मिल जाती हैं। होता क्या है कि दृश्यता कम होने की वजह से दिखाई नहीं देता है, तो ये अगर ये सिस्टम डिवाइस हमारा पहले से बता देता है तो हमारे गार्ड और ड्राइवर अलर्ट होकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएँ शून्य हो जाती हैं। जो है सर, ट्रेनों की टेक्नोलॉजी अलग होती है, जो डिवाइसेस लगे हैं क्या उनकी टेक्नोलॉजी उसी टेक्नोलॉजी के अनुरूप है या फिर उसके लिए ड्राइवर को या गार्ड को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, ये इसके लिए गार्ड को ड्राइवर को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और सभी गार्ड और ड्राइवर को ट्रेनिंग दे दी गई है। जी सर, NER को कितने फॉग सेफ्टी डिवाइसेज मिले हैं, कितने इंस्टॉल किया जा चुका है अब तक? अभी तक NER को 415 फॉग सेफ्टी डिवाइस मिल चुके हैं जो है, और सभी इंजनों पर हमारे इंजन चलने वाली व्यवस्था कर दी गई लगाने के लिए। जो है